नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आज की कुछ ताज़ा खबरें। दवाया और खाना पीना सस्ता, कार खरीदना हुआ महंगा, जीएसटी बैठक में जानिए क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले के ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में यह बैठक सम्पन्न हुई और इसमें लिए गए सबसे अहम फैसलों में से ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाकर 28% टैक्स लगाना और केसर का दवाइयों को IGST हटाना शामिल है। आइए जानते हैं जीएसटी पर कहां राहत दी गई और क्या क्या हो गया महंगा। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो की पूरी कीमत पर 28% टैक्स जीएसटी लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी कानून के दायरे में लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऑनलाइन गेमिंग पर भारी भरकम जीएसटी लगाने का फैसला के बारे में बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब कार खरीदना भी हो गया है महंगा। जीएसटी काउंसिल ने कार खरीदे ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैठक के दौरान गहन विचार विमर्श के बाद मल्टीपर्पज करो MVV पर 22% कंपनसेशन सेस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जो कि 28% जीएसटी के अतिरिक्त होगा। यानी अब इस कैटेगरी की गाड़ियों को खरीदने के लिए ज़्यादा खर्च करना होगा। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बाटा सेडान कार पर 22% केस नहीं लगाया। केसर की इम्पोर्टेंट दवा हो गई है सस्ती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में ले गए अन्य बड़े फैसलों की बात करें तो कैंसर की इम्पोर्टेंट दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा, यानी ये दवाई सस्ती हो जाएगी। पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कैंसर की दवा डिस्टिनोडिक्स MB का स्टार इंपोर्ट सस्ता हो सकता है। सरकार की ओर इस ओर पर मुहर लगा दी। बता दें कि फिलहाल इस पर 12% IGST लगता है, जिसे काउंसिल घटाकर 0 कर दिया है। इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपये का है। सिनेमा हॉल में होगा खाना सस्ता। अब होगा सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के शौकीन लोगों के लिए वहाँ खाना पीना सस्ता हो जाएगा। दरअसल बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए राज्य सचिव संजय मल्होत्रा ने यह बताया कि सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का निर्णय लिया गया है और ये फूड आइटम सस्ते हो गए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री सीतारामन ने जिन चीज़ों पर जीएसटी कटौती का ऐलान किया है उनमें अनकूपण आइटम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। यानी अब कच्चे या बिना तले हुए स्नैक्स पेलेटोस का सस्ता कर दिया गया है। इसके अलावा वही इमिटेशन जरी धागा पर टैक्स को 22% कम करते हुए 22% किया गया है। तो ऐसे ही और न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर ले अपने चैनल को। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।